हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमने एक वीडियो अपलोड किया है कि जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं और जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं ग्रुप डी के, उनके रिजल्ट मार्क के साथ जो है अपलोड कर दिया गया है आरआरबी की तरफ से। और आप अपना मार्क्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने आए हैं आप बहुत ही आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। और हमने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताया था कि जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं वो काफ़ी कंफ्यूजन में है कि जो उनका 1/3 वाला क्राइटेरिया है, उनका जो मार्क्स ऐड होना है और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरीके से क्या रहने वाला है, अभी आप कंफ्यूजन में बने हुए थे। तो यहाँ पर आप लोग जो है काफी कमेंट भी किया हमारे वीडियोस में, आप लोगों ने पूछा कि 1/3 मार्क्स रियली में ऐड हुआ है या नहीं, काफी कंफ्यूजन वाला जो है ये टॉपिक था। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट है जो कि सत्येंद्र कुमार जी है, मैं अभी आपको उनका फोटो भी दिखाऊंगा। और उन्होंने एक कैंडिडेट का हमारे पास रिजल्ट भेजा है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये उनका रिजल्ट है। और यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने अपने ग्रुप डी के एग्जाम में जो फॉर्म भरा था वो सीसीए के बेस्ड पे भरा था। यहाँ पर आप नीचे देख पाएंगे सीसीए कैंडिडेट, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यस है, यानी कि इन्होंने अपना ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप किया है वो यस के बेस पे फिलअप किया है। और यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात ये है कि इसमें जो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करी है, उन्होंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और यहाँ पर जो इनके करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पर 14 आंसर हुए हैं और 44 इनके करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 44 इनके इनकरेक्ट हैं, यानी कि गलत क्वेश्चन है, और 14 ही इनके करेक्ट क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इनके जो नॉर्मला जो इनके रॉ मार्क बने हैं ना वो माइनस में चेक चले गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं -0.68028 इनके मार्क्स हैं। तो आप समझ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ पर इनका 25.59341 है इनका नॉर्मलाइजेशन मार्क। आप ही सोचिए इनके जो रॉ मार्क है वो माइनस में है 0.6 करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इनके 25 मार्क्स जो है कैसे हो सकते हैं। तो हमने आपको अभी जस्ट ही 1 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें हमने आपको बताया था कि जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं उनके अलग से मार्क्स जो है 1/3, उनका जो एनसीबीटी वाला सर्टिफिकेट था, जो अप्रेंटिसशिप वाला सर्टिफिकेट था, उनके परसेंटेज को देख करके 1/3 क्राइटेरिया के नंबर को ऐड करके जो है आपके रिजल्ट बनाए गए हैं आरआरबी की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके मार्क्स माइनस में होते हुए भी इनका जो है 25 मार्क्स जो है यहाँ पे दिखा रहा है नॉर्मलाइजेशन का। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं उनके 1/3 जो ऐड होने थे वो ऐड होकर के ही आपके रिजल्ट आए हैं आपकी बार ग्रुप डी के। तो आई होप कि दोस्तों आप जो है हमने बिल्कुल प्रूफ के साथ यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया है कि आपके 1/3 ऐड हुआ है। बाकी दोस्तों हमने आपको जो है एक वीडियो 1 घंटा पहले अपलोड किया है, आप उसे चाहे तो डिटेल से देख सकते हैं। वहां पर हमने आपको डिटेल से बता दिया था कि आपके किस तरीके से मार्क्स जो है इसमें ऐड किया गया है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, और आरआरबी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है उसमें क्या डिटेल बताया गया है, हमने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और बहुत ही जो है ऑथेंटिक तरीके से हम इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड करते हैं। बाकी दोस्तों जो सत्येंद्र जी हैं उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया है कि ये जो कैंडिडेट है कट ऑफ वाला, ये जो है डिटेल उन्होंने शेयर किया है, तो उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। बाकी आप लोग भी यदि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है और आप शेयर करना चाहते हैं और उसके बारे में यदि आप डिटेल से समझना और जानना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना जो है मतलब जो इंस्टाग्राम आईडी है और जो मेरा बिजनेस वाला व्हाट्सएप है वाईफाई गूगल ज्ञान का, वो हमने प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ पर मेरे से जुड़ सकते हैं और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप मेरे से जो है मेरे पास शेयर कर दें और वहाँ पर जो है हम आपको डिटेल से पूरा बता देंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि आपके 1/3 ऐड हुए हैं। बाकी दोस्तों आगे का जो प्रोसीजर रहेगा, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, आपके जो डीवी होना है, आपका जो मेडिकल होना है ग्रुप डी में, किस तरीके से क्या रहने वाला है, हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताएंगे। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन रखिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।